जिस चार्जर का ऊपर क्लास हुआ था फ्रेंड्स, वही चार्जर वो जो ऑन एम्पियर नहीं ले रहा था, क्यों एम्पियर नहीं ले रहा था उसको आप ठीक करेंगे, लाइव ठीक करेंगे आपका सामने। हम कुछ भी नहीं किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपका सामने हम ठीक करेंगे। कैसे कैसे चेक करते हैं, ठीक है, ये डीसी देते हैं, डीसी दे दिए, एसी दे दिए, ये चार्जर चालू हो गया, एम्पियर कुछ भी नहीं है, अब क्या चेक करेंगे, ठीक है। इसको हम लगाते हैं स्टैंड पे, देखिए क्या क्या चेक करेंगे, एम्पियर नहीं आया तो पहले हम रिले चेक करेंगे, क्या बढ़िया तरह रिले ऑन हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये माइनस जो है, माइनस को हम परमानेंट के लिए माइनस करके रखा हूँ, माइनस में लगा दिया हूँ, प्लस को पकड़ लिए, मल्टीमीटर का तरह देखिए फ्रेंड्स दिख रहा है, मल्टीमीटर दिख रहा है, नीचे रखते हैं, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मल्टीमीटर दिखना चाहिए हमारा व्यूअर्स को फ्रेंड्स, अब तो अब सीख सकते हैं काम, दिख रहा है मल्टीमीटर दिख रहा है। हम क्या चेक करेंगे, एम्पियर नहीं आया, पहले हम रिले चेक करेंगे, हो सकता है बढ़िया से रिले ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। रिले कैसे चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे कितना वोल्ट है हमारा, आउटपुट में कितना वोल्ट है ना, इनपुट हम कितना दिए 54 वोल्ट, यहाँ पे 63 वोल्ट, देखिए फ्रेंड्स मिल गया वोल्ट, अभी मिल गया वोल्ट हमको, यहाँ पे कितना है 54 वोल्ट, जो वोल्ट दिए हैं हम 50, ठीक है, जो वोल्ट दिए हैं बैटरी से 50, लेकिन इधर पे कितना है 63, हमारा निकल रहा है 63 और दिए हैं हम 50, तो ये 50 और 63 एक जगह में होगा तब ना हमारा एम्पियर आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब रिले में हमारा फोल्ट निकल आ गया हमारा, ठीक है, अब रिलो को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, एक बार रिलो को डायरेक्ट करते हैं, रिले बढ़िया तरह जब ऑन नहीं, ये नहीं होगा फ्रेंड, शॉर्ट नहीं होगा तो आपका रिले एम्पियर नहीं उठेगा फ्रेंड्स। रिले एक कैसा वायर जैसा, वायर को आप लपेटते हैं इसे, तो अगर बढ़िया नहीं लपेटे वायर तो आपका एम्पियर नहीं आएगा, वायर जैसा जॉइंट करते हैं, रिले एक जॉइंट है, रिले एक स्विचिंग है, ठीक है, रिले स्विच होके जॉइंट हो जाता है दोनों। रिलो को क्यों लगाया, चार्जर को कट होने के लिए, इधर पे सेट किया हुआ है कितना ये का चार्जर है, कितना वोल्ट में आपका कट हो जाएगा, ठीक उतना वोल्ट में रिले आपका कट हो जाएगा, रिले को शॉर्ट कर दिए एक वायर से फ्रेंड्स। चार्जर एसी देने के बाद फ्रेंड्स इसको डिस्चार्ज करने पड़ेगा, लेकिन हम डिस्चार्ज किए हूँ नहीं हूँ, क्योंकि काम करते करते हमारा याद रहता है फ्रेंड्स, हो सकता है आपका याद नहीं है, हाथ चला जाएगा तो झटका मारेगा, बहुत जोर से झटका मारेगा फ्रेंड्स, 320 वोल्ट बगैर फिर डीसी बहुत खतरनाक होता है फ्रेंड्स। ये अलमुनियम पेस्ट है थोड़ा, ये सुई में लगा हुआ हूँ, एलमुनियम पेस्ट थोड़ा डाल दिया हूँ, इसको रिले को हम शॉर्ट करेंगे, रिले शॉर्ट कर दिए, उसके बाद फिर देते हैं डीसी, उसके बाद दिए एसी, थोड़ा सा साफ करेंगे फ्रेंड्स इसको हम, ये 12 वोल्ट का उधर गीलापन है थोड़ा लग रहा है हमको, काम पूरा सफाई से करना है फ्रेंड्स, इतना हम अगर ये चार्जर का काम करते हैं इतना कीचड़ नहीं होता फ्रेंड्स, अभी पूरा साफ करेंगे हम पेट्रोल से, इतना कीचड़ काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा काम करने में, साफ सफाई काम कीजिए, वही मिस्त्री सक्सेस है, ठीक है। देखिए डीसी दे दिए, एसी दे दिए, ऑन हो गया, अब एम्पियर आता है कि नहीं देखते हैं, एम्पियर नहीं आया अभी तक, नहीं आया, कितना कहाँ पे वोल्ट है देखते हैं, यहाँ पे कितना वोल्ट है, एम्पियर उठने लगा फ्रेंड्स, देखिए एम्पियर उठने लगा, ये देखिए उठने लगा एम्पियर, 12 एम्पियर चार्जर है फ्रेंड्स, देखिए रुक गया 12 एम्पियर, 12 एम्पियर में पंखा चालू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, पंखा चल रहा है, एम्पियर भी उठ गया है, देखिए 12 एम्पियर का चार्जर फिक्स 12 एम्पियर है, देखिए कितना जल्दी हो गया चार्जर ठीक, कैसे जल्दी हो गया, फोल्ट आपको ढूंढने में नहीं टाइम लगा, क्यों टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम सीख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर नया नया सीख सकते हैं सीख रहे हैं आप तो थोड़ा आपको मुश्किल होगा, क्योंकि रिले ऐसा आप ध्यान ही नहीं देंगे, रिले क्यों ऐसा होगा, रिले ऑन हो जाएगा, क्योंकि रिले जब ऑन नहीं होगा तब तक ये एलईडी हमारा नहीं चलेगा,
ठीक है, 78-12 से वो वोल्टेज निकलता है और वही रिले ऑन कर देता है। रिले तो कट मेरा होता है लेकिन थोड़ा सा कट होता है, बढ़िया तरह रिले ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसका हम जंपर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उधर भी एक डायोड लगा देंगे। अन्य तो रिले आपके पास है, मेरे पास तो रिले है, अभी कस्टमर बताएंगे कस्टमर को, अगर कस्टमर रिले लगाना चाहते हैं तो रिले लगाएंगे। देखिए चार्ज हो रहा है, देखिए देखिए एम्पियर, देखिए एकदम पक्का फिक्स है एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायोड लगा देंगे फ्रेंड्स, नहीं तो चार्जर कट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। फ्रेंड्स एक्जूम चार्जर का हर एकदम क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, एकदम फ्री में, नहीं कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, सिर्फ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपको सिखाएंगे हम एक्जूम चार्जर, यूटीएल चार्जर, कंट्रोलर, मोटर रिवाइंडिंग, बड़ा वाला रोटरी चार्जर रिवाइंडिंग, पूरा हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, ना पैसा लगेगा नहीं कुछ लगेगा, सब्सक्राइब करने से भी पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स आपको, आप जो सब्सक्राइब करेंगे वो भी पैसा नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में।